भरत सिंह 131। मान्य अध्यक्ष जी, नियम प्रक्रिया 131 के तहत गृह मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14/6/18 को थाना भीमगंज मंडी जिला कोटा शहर पर फरियादी मोडूलाल पुत्र चतरा जाति बागरी उम्र 60 वर्ष निवासी बलपुरा थाना सिमलिया जिला कोटा की लिखित तहरीर रिपोर्ट पर बालक गोपी के लापता होने के बाबत मुकदमा नंबर 270/18 धारा 363 IPC में दर्ज कर अनुसंधान सहायक पुलिस अधीक्षक व्रत चतुर्थ कोटा शहर द्वारा किया जा रहा है। दौरान अनुसंधान बालक गोपी की पतारसी बाबत टीम थाना भीमगंज मंडी कोटा शहर व अन्य दूसरी टीमें जिसमें मानव तस्करी विरोधी यूनिट कोटा शहर द्वारा गुमशुदा बालक गोपी की रेलवे स्टेशनों व अन्य शहरों के विबंधित चिल्ड्रन होम आदि विभिन्न जगह की तलाश की गई। गोपी के पिता का आरोप है कि आखिरी बार उसे पुलिस के दो सिपाही मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाते हुए देखे गए, किंतु फरियादी द्वारा इस बाबत FIR में किसी का नाम अंकित नहीं करवाया गया, ना ही बाद में पुलिस अनुसंधान के दौरान दिनांक 14/6/18 को जो 161 CRPC के बयान लेखबद्ध किए गए उस समय भी फरियादी मोडूलाल ने व इसकी पत्नी कजोड़ी बाई ने किसी अपहरणकर्ता का नाम लिया। इसके पश्चात इसके बड़े पुत्र रघुवीर ने भी अपने कथन में लेखबद्ध होने की दिनांक 23/6/18 तक किसी अपहरणकर्ता का नाम नहीं लिया। फरियादी मोडूलाल द्वारा अपने साले की लड़की मीना का हवाला देते हुए पेश किए गए फरियादी परिवादों में भीमगंज मंडी के कांस्टेबलगण शिवराज और बीरबल पर बालक गोपी को ले जाने का आरोप लगाया। फरियादी की रिश्तेदार मीना नाम की जो लड़की है वह और उसके परिवार के अन्य सदस्य थाना भीमगंज मंडी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले स्थान रेलवे स्टेशन कोटा जंक्शन के बाहर अनावश्यक रूप से घूमते रहते हैं और आने जाने वालों यात्रियों से भीख मांगते रहते हैं, लेकिन जेब तराशी आदि की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रोटेक्टिव पुलिसिंग के तौर पर उक्त कांस्टेबलगण इन लोगों को समय समय पर उक्त स्थान से हटाते रहते हैं। इन लोगों को उक्त स्थान पर इकट्ठे नहीं होने देने के कारण इसलिए ये लोग उक्त दोनों कांस्टेबलगणों को खूब बेखूबी से पहचानते हैं और इसी कारण हो सकता है कि रंजिशवश उक्त कांस्टेबलगण का नाम बालक गोपी को ले जाने के संबंध में फरियादी और उसके रिश्तेदार लड़की मीना के द्वारा लिया जा रहा है। फरियादी के रिश्तेदार मीना के जुबानी कथन के अलावा किसी अन्य गवाह ने या तकनीकी साक्ष्य से कोई भी बात तायद नहीं हुई है। गुमशुदा बालक गोपी का अपहरण शिवराज कांस्टेबल हेड कांस्टेबल और या बीरबल कांस्टेबल द्वारा किया गया हो, इसके विपरीत जो तथ्य सामने आया है वह यह है कि 16/6/18 को कोटा से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन स्वर्ण मंदिर मेल के S9 कोच में सवार वेंडर भंवर सिंह ने अपने कथनों में बताया कि उक्त बालक को उसने स्वयं ने दिनांक 16/6/18 को उक्त सवारी गाड़ी में देखा। उस दिन उक्त वेंडर का लाइसेंस नहीं होने से उसके विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई RPF थाना कोटा जंक्शन द्वारा की गई। इससे उक्त गवाह द्वारा बालक गोपी को स्वतंत्र रूप से स्वर्ण मंदिर ट्रेन में दिनांक 16/6/18 को घटना के 6 दिन बाद देखा जाना बताया है। इससे उक्त बालक गोपी का किसी के द्वारा अपहरण नहीं किया जाना और किसी व्यक्ति द्वारा बंधक नहीं बनाया जाना अब तक के अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है। प्रकरण में गुमशुदा बालक गोपी की तलाश पतारसी व अनुसंधान जारी है। अब तक के अनुसंधान से बालक गोपी का किसी के द्वारा अपहरण किया जाना और किसी व्यक्ति द्वारा बंधक बनाया जाना सामने नहीं आया है। प्रकरण में गुमशुदा बालक
गोपी की तलाश पतारसी व अनुसंधान निरंतर जारी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसमें बताया गया था कि 2014 और 2019 के बीच में हमारे मुल्क में 318,748 बच्चे गुमे हैं और राजस्थान में 6,175 बच्चे गायब हैं, लापता हैं। और जो रिपोर्ट भारत सरकार ने प्रकाशित करी थी उसमें यह उल्लेख किया है कि मानव तस्करी से इनको जोड़ के देखा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रकरण आज का नहीं, 1 साल 8 महीने पुराना है और इसको प्रकरण को सदन में रखने से पहले लगातार पुलिस के अधिकारियों से मैं संपर्क में रहा हूँ और काफ़ी विस्तार से जो पुलिस ने प्रयास करे हैं उसका उत्तर मेरे पास है। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि जिस जिले से माननीय गृह मंत्री जी आते हैं, जिस जिले से मैं आता हूँ, वहाँ पुलिस और अपराधियों के बीच में अच्छा जबरदस्त गठजोड़ है गलत काम करने में। और अपराध पाई गई है अनेक प्रकरणों में। माननीय अध्यक्ष जी, इस बच्चे का जो वीडियो है मोटरसाइकिल पे इसको बिठा के ले जाते हुए, वह स्वयं मैंने देखा है और उसके पहले जो कोटा के आईजी हैं, जो आज नहीं है, कहीं और का स्थानांतरण हो गया, एसपी का भी स्थानांतरण हो गया, इन्होंने वो वीडियो स्वयं देखा है। मेरा तो इतना ही कहना है कि जिस जिले में पुलिस के लोग बाग अपराध से जुड़े हुए हैं, वहाँ आखिरी बार 2 कांस्टेबल, और ये बच्चा बोल नहीं सकता, गूंगा बहरा है, इसको ये पुलिस वाले अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी जानते हैं, ये बात इन्होंने दर्शाई वो सही है। तो ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है कि मानव तस्करी से पुलिस के इन्वॉल्वमेंट में, क्योंकि हमारे यहाँ के पुलिस के लोग बाग गोवा में रंगरेलियां मनाते हुए अपराधियों के साथ देखे गए, उस पृष्ठभूमि में इसको जांच कराना आवश्यक होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सवाल है कि पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ देखने को मिलता है, खास तौर पर कोटा शहर और कोटा ज़िले में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं, मैं खुद स्वीकार करता हूं इस बात से। और जो आपने गोवा का आरोप लगाया, उन लोगों को भी जो है प्रतिपादित किया गया है, उन लोगों को भी जो है नौकरी से बर्खास्त भी किया गया है और उनको 16 CC का नोटिस भी दिया गया है कईयों को, ये बात सही है। लेकिन जिन 2 व्यक्तियों के लिए आप कह रहे हैं, बीरबल और शिवराज के लिए, ये शिवराज हेड कांस्टेबल है और ये बीरबल भी जो है आउटस्टैंडिंग कांस्टेबल है। इन दोनों के आउटस्टैंडिंग कांस्टेबल की बाबत मैं बताता हूँ आपको, आपको ध्यान होगा, भीमगंज मंडी थाने में एक ज्वेलर की दुकान थी, ज्वेलर का मकान था, ज्वेलर जो है दुकान पर गया हुआ था और उसी के नौकर के द्वारा पीछे से चुपचाप आकर के उसकी पत्नी को और उसके लड़की की हत्या कर दी गई थी। और तीसरे रोज ही हत्या के, ये डबल मर्डर था, और तीसरे रोज ही जो है इस शिवराज नामक हेड कांस्टेबल ने वही मुलजिम पकड़ लिया था, क्योंकि इसके बराबर में ही वो मुलजिम बैठा हुआ था और उसके हाथ में जब 70,000 का मोबाइल उसने देखा तो उसको शक हुआ और उसने उसी वक्त उसको दबोच लिया और दबोच करके उससे हाँ भरवा ली कि हाँ साहब वाकई मैंने मर्डर किया है। दूसरा आदमी जो बीरबल है, ये बीरबल और शिवराज इन दोनों की टीम ने ही जीवाणु को पकड़ा था, तो ये आउटस्टैंडिंग लोग हैं, ये हो सकता है ये लोग भिखारी हैं। और थाना भीमगंज मंडी के क्षेत्र में ही रेलवे का सारा क्षेत्र आता है और वहाँ पर जो है बाकायदा हर कार पर जो रेड लाइट के वहाँ पर रुकती है, वहाँ पर ये भीख मांगते रहते हैं, इसलिए इनको भगाने के लिए हो सकता है कि उसको बिठा करके ये कहीं जा रहे हों, वो वीडियो आपने देखा हो। लेकिन इस बाबत जो प्रयास किए गए हैं इसके द्वारा, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। ओखा अध्यक्ष जी, मेरे पास जानकारी इस समय नहीं, मैं तो सिर्फ आप मान लिया मैंने सब। माननीय अध्यक्ष जी, जिन आउटस्टैंडिंग अधिकारियों की, कर्मचारियों की, पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, मैं सदन के नॉलेज में लाना चाहूँगा कि जो गोवा में जो पकड़े गए थे उसमें भी एक बहुत आउटस्टैंडिंग मोगा था, आउटस्टैंडिंग था, वो सारे डिजिटल उसके ऊपर जो है धोखाधड़ी को वही पकड़ता था। तो आउटस्टैंडिंग लोगों में भी आउटस्टैंडिंग शक्ति होती है गलत काम करने की। धन्यवाद। आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, हो सकता है जो आप जो कह रहे हैं मैं एग्री करता हूँ उस बात से,
कि उसको आउटस्टैंडिंग क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, किन अधिकारियों के द्वारा बताया गया था उसको आउटस्टैंडिंग, उसके बारे में तो उसके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लंबा हो जाएगा किस्सा। लेकिन ओखा गुजरात के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ स्टाफ को एक बालक गोपी के हुलिया के जैसा मिला। उस बालक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटा पुलिस को दिखाया गया। कोटा पुलिस ने जो है उसके पिता मोडू लाल को बुला लिया। मोडू लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देख करके बता दिया कि हाँ ये मेरा लड़का गोपी है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात की पुलिस, गुजरात पुलिस भेज करके उस लड़के को वहाँ पर बुलाया गया। जब सामने आया तो मोडू लाल ने मना कर दिया कि ये लड़का मेरा नहीं है। इसका मतलब ये कि पुलिस प्रयासरत है। दूसरा दूसरी बात और बताता हूँ मैं आपको कि जिस तरीके से बबलू ठाकर ने नागदा में नागदा से जो जानकारी मिली और गुमशुदा गोपी को रेलवे स्टेशन के ऊपर उसने देखा, तो वहाँ पर इसी लड़के को स्वर्ण मंदिर ट्रेन में ये खिड़की के वहाँ दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ था और इस ये मंद बुद्धि का था वो, तो इसने हाथ जब आगे किया तो उसने कुछ चने इसके हाथ में दे दिए। दे करके इससे पूछा कि कहाँ, तो उन्होंने कहा हाँ मतलब कहीं जा रहा हूँ। इस तरीके की बात भी सामने आई। और उस दिन भी जो है वो इस अवैध वेंडर के लिए भी पुलिस ने देखा कि कहीं वेंडर झूठ तो नहीं बोल रहा, तो वो उस रोज उसकी ड्यूटी नहीं थी तो उसके खिलाफ केस भी बनाया। तो उससे साबित होता है कि साहब वो मौजूद था और मौजूद होकर देखा, उसका कोई लेना देना इनसे, इस परिवार से या पुलिस से कोई लेना देना नहीं था वेंडर का, इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकता। तीसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि राजस्थान पत्रिका में एक खबर ये छपी कि गद्दों में छुप करके यूरोप से गुटबेड़ करके अफ्रीकी आ रहे हैं, राजस्थान पत्रिका में छपी। और जो फोटो छपा वो फोटो, पुलिस को ये डाउट हुआ कि शायद ये हो सकता है गोपी का फोटो हो, तो वो राजस्थान पत्रिका के दफ्तर में जाकर के पुलिस के द्वारा वो दो फोटो मंगाए गए, दो फोटो वहाँ के लिए और दो फोटो जो है मोडूलाल उसके गोपी के पिता मोडूलाल से लिए गए। दोनों को जो है दोनों अलग अलग लिफाफे में मोरबंद करके जो है FSL को भेजे गए, लेकिन वो FSL में रिपोर्ट में ये आई कि दोनों फोटो अलग अलग हैं, उसका पता नहीं लगा। मेरा निवेदन ये है कि पुलिस अभी तक प्रयासरत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुराना केस हो चुका, लेकिन ये विश्वास रखना चाहिए क्योंकि पुलिस के द्वारा जितने भी आज तक मानव तस्करी विरोधी यूनिट के द्वारा और ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड वेबसाइट के द्वारा तथा थाना स्तर पर ये भी बात होती है कि साहब टीवी में भी बराबर विज्ञापन देते हैं, समाचार पत्रों में भी लिखते हैं, मुश्तरी भी करवाए जाते हैं, मोबाइल अगर गुमशुदा बच्चों के पास मोबाइल होने की स्थिति में तकनीकी साक्ष की तलाश भी की जाती है, बराबर की जा रही है। लेकिन ये बच्चा मंद बुद्धि का भी है, मंद बुद्धि के साथ साथ मूक विधर भी है। अब उसको ऐसे बच्चे को पकड़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी लगातार पुलिस जो है इस बात के लिए प्रयासरत है। और मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय सदस्य को कि आप विश्वास रखें एक न एक रोज ये जरूर उसके परिवार को बरामद करके पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा समाप्त हुई। मंत्री स्वयं लोड़ा।